चूचू चार्ल्स, एक ऐसा नशीला गेम जिसका नशा आजकल सबको चढ़ा है और इसी नशे के चलते बहुत से बंदों ने इस गेम को पूरा कंप्लीट कर रखा है। एंड ऐसा नहीं है कि इस गेम को कंप्लीट करने में इन्हें 4-5 दिन लगे हों, सभी ने रात रात भर जाकर इस गेम को एक ही दिन में कंप्लीट कर डाला। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम लोगों ने अभी इस गेम को केवल आधा ही देखा है? चुप कर बे कुत्ते। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब यह होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। यानी कि इस पूरे गेम में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स, कुछ ऐसे सीक्रेट जिनके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। वैसे ही मैंने झूठ बोला है, बहुत से बंदों को इसके बारे में पता है। गद्दारी कर बे। बहुत से बंदों को पता है तो पता रहने दो, लेकिन तुम्हें इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो राम राम भाई लोग, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूँ साइबरटन और आप देख रहे हो 34 के साइबरटन FM यूट्यूब चैनल को। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है चूचू चार्ल्स की चूचू आई मीन चूचू चार्ल्स गेम हिडन सीक्रेट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारे बेरोजगार वीडियो को बिना किसी दिक्कत के। सो गाइस, जो पहले नंबर पे हिडन प्लेस निकल के आता है वो आपको मैप के इस वाले हिस्से में देखने को मिल जाएगा। और वैसे मैप में इसका नाम नहीं दिया तो मैं इसे एक नाम देना चाहूंगा और इसका नाम है चुड़ैल की मौसी का अड्डा। और मैंने इस जगह का ऐसा नाम क्यों रखा है तो इसका रीजन आप लोगों के सामने ही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहां पर चारों तरफ पेड़ों पर गुड्डे लटके हुए हैं और पिछवाड़ा फाड़ने वाली बात तो ये है कि इन गुड्डों को कीलों से ठोका गया है। अब आप लोग खुद एक बार सोच कर देखो कि चूचू चार्ल्स गेम में इतना ज्यादा संगी कौन हो सकता है जो कि इन मासूम गुड्डों को पेड़ों पर ठोक दे, वो भी इतने गंदे तरीके से। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सब काम इस यूजीन ने किया है, क्योंकि पूरे आइलैंड में यही एक बुड्ढा है जिसे काला जादू आता है और इसने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से चार्ल्स को मारने की काफी ज्यादा कोशिश की होगी। और फिर इसे लगा कि अब गुड्डों से काम तो नहीं चलने वाला, फिर इसने हमें बुलाया। और वैसे आपको क्या लगता है कि ये काम किसने किया है, आप लोग निस्पेकर होकर कमेंट में बता सकते हो। और ये यूजीन वाली बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि मुझे नहीं पता यार ये सब किसने किया है। चलो कोई ना, बढ़ते हमारे दूसरे नंबर के सीक्रेट की ओर। और हां, आपसे ये वीडियो सीरियस होने वाली है जिससे आप लोगों को भी थोड़ा डर लग सके। सो गाइस, जो दूसरे नंबर पे सीक्रेट प्लेस निकल के आता है उसके लिए आप लोगों को मैप के इस वाली लोकेशन पर आना होगा। लेकिन यहाँ पर आने से पहले ठीक आपको इसके बगल में एक मिशन देखने को मिल जाएगा जिसे सासा नाम की लड़की देती है। और इस लड़की से बात करने के बाद आपको एक मिशन मिलेगा जिसमें आपको 8 पेज कलेक्ट करने होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आप लोग पेज कलेक्ट करते जाते हो लेकिन अचानक से आपके पीछे काफी खतरनाक एंटिटी पड़ जाती है। और वो एंटिटी जैसे जैसे आपके पास आती जाती है आपका गेम भी अटकने लगता है और आपका गेम ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाता है। और बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये अजीब सी दिखने वाली एंटिटी और कोई नहीं बल्कि स्लेंडरमैन है, क्योंकि पास्ट में एक ऐसा गेम निकल के आया था जिसका नाम था स्लेंडरमैन द 8 पेजेस। एंड चूचू चार्ल्स गेम का ये मिशन और वो गेम काफी ज्यादा सिमिलर है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि अजीब सी दिखने वाली एंटिटी कौन है, क्या ये स्लेंडरमैन है या फिर और कोई नया भूत, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। एंड जो तीसरे नंबर का सीक्रेट प्लेस निकल के आता है वो आपको इस वाली लोकेशन पर मिल जाएगा। एंड इस वाली लोकेशन में इतना ज्यादा कुछ डरावना नहीं है क्योंकि जैसे ही आप लोग बताई गई लोकेशन पर आओगे तो आप लोग एक बीच पर होगे। एंड इस बीच से काफी ज्यादा दूर जैसे ही आप लोग सामने देखोगे तो आपको वहां पर एक रबर डक तैरती हुई दिखेगी। एंड इस पीली बतख का सिंबल आप लोगों को मैप में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्टिल से बहुत से गेमर्स इग्नोर करते हैं जिस वजह से इसे काफी कम लोग जानते हैं। सो गाइस, अब यहां से वीडियो और भी ज्यादा डार्क होने वाली है, इसलिए अब चौथे नंबर के हिडन सीक्रेट के बारे में बताने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दो जिससे जब भी मैं आपके लिए ऐसा कोई मजेदार कॉन्टेंट लाऊं तो आप लोग गलती से भी मिस ना कर पाओ। सो गाइस, जो चौथे नंबर का सीक्रेट निकल गया था उसके लिए आप लोग मैप के इस वाली लोकेशन पर आ जाना है। एंड यहां पर आने के बाद आप लोगों को अपने ठीक सामने एक घर दिखेगा तो आप लोगों को उस घर के अंदर चले जाना है। एंड जैसे ही आप लोग उसके अंदर जाओगे तो वहां पर आप लोगों को एक सीक्रेट डोर मिलेगा जो कि आप लोग नॉर्मली ओपन नहीं कर सकते। एंड इस डोर को ओपन करने का केवल एक ही तरीका है, वो है इस गेम को हैक करके आप लोग इस डोर के अंदर जाओ। एंड जैसे ही आप लोग इस गेम को हैक करके उस सीक्रेट रूम के अंदर जाते हो तो वहां पर आप लोगों को टेबल पर एक लेटर देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आप लोग उस लेटर को पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा यू आर नॉट सपोज टू बी हियर, यानी कि तुम्हें यहां पर नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम लोग इस बात को डिटेल में देखे तो डेवलपर ने यहाँ पर काफी ज्यादा दिमाग लगाया क्योंकि ये बात डेवलपर अच्छे से जानता था कि लोग गेम को हैक करे बिना तो मानेंगे नहीं। एंड ये सीक्रेट रूम उसने स्पेशली हैकर्स के लिए बनाया है। तो बारी आती है हमारे पांचवें और आखिरी सीक्रेट की, और इस वाली सीक्रेट के बारे में तो तुम लोगों को डेफिनेटली कुछ भी नहीं पता होगा। एंड इस वाली सीक्रेट को जानने के लिए सबसे पहले आप लोग को चूचू चार्ल्स गेम को ओपन करना है। एंड गेम के दौरान ही आप लोग को F12 की को प्रेस करना है। एंड उसके बाद आप लोग का चीट मेन्यू ओपन हो जाएगा। एंड उसी चीट मेन्यू में आप लोग को सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट मॉइस्ट, सिंपली
आप लोगों को उस पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर देना है। अब ऐसा करने के बाद आप लोगों के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चूचू चार्ल्स के साथ बहुत कुछ होगा। जैसा कि मैंने कहा था, आप लोग देख सकते हो चार्ल्स का थोबड़ा ही बदल गया एंड ये ऑलरेडी गेम में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों को इसके लिए कोई भी मोड लगाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है इस डेवलपर ने ये थोबड़ा किसी यूट्यूबर का लगाया है जो कि हमारी कंट्री का तो नहीं है। अगर आपको पता है किसी यूट्यूबर का है तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट करके बता सकते हो। अब देखो गाइस, सीक्रेट्स बताते बताते मैं तो काफी ज्यादा थक गया एंड अगर आप लोग भी थक गए हो तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि ऐसा करने से मेरी भी आत्मा को शांति मिलेगी, आपकी भी आत्मा को शांति मिलेगी, हम दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो भी चलिए मिलते हैं शांति से और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।